परेशान है, सिंचाई नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? प्रथम सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रुपये के मामले में तो फेल है, भ्रष्टाचार के मामले में तो फेल है, लाइन ऑर्डर के मामले में तो फेल है, और बिजली भी नहीं दे पा रही किसानों को, नहरों में पानी नहीं दे पा रही। हर तरीके से ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से फिल्म आ रही है उसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, संत समाज के द्वारा हिंदू संगठन काफी विरोध कर रहे हैं आदि पुरुष फिल्म को लेकर, क्या कुछ लग रहा है इसको लेकर, क्या कहेंगे भैया? आदि को बिल्कुल रोक लगा देना के जो हमारे हालात हैं, भगवान राम का ठेका लिए हुई है भारतीय जनता पार्टी, और भगवान राम के सेवक हनुमान जी पर अगर अब शब्द कहने वाली सरकार तो इस को बिल्कुल रोक लगा दें। कल पर्यटन मंत्री इटावा आए थे, उन्होंने कहा था पहले हम तो भाजपा के लोग श्री राम की शरण में थे, अब समाजवादी पार्टी भी राम की शरण में आ गई, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सफलता वो इसलिए कि भगवान राम तो सबके हमारे हैं, तुम्हारे भी हैं, और भगवान राम तो हर व्यक्ति कर कर के बसे हुए हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित कर देना चाहती है और सीमित किया है। मंत्री जी, विपक्ष की 23 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है, उसको लेके कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, कांग्रेस नेता भी ये कह रहे हैं कि विपक्ष साथ में आने की बात कर रहा है, हाथ पकड़ के साथ में आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कोई कोई दल कि हमारे राज्य में ना लड़ें आप चुनाव, तो इस तरीके से कैसे फिर आगे बढ़ पाएगी गठबंधन? देश के सेकुलर पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर के केवल इनके सबका एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का हेतु ये सब लोग बैठक करें। जिस तरह से बलिया में लगातार हीट वेव गर्मी बढ़ी, उसके 75 घंटे में 55 लोगों की मौत हो गई है, क्या लग रहा है सरकार वहाँ व्यवस्था नहीं कर पा रही गर्मी से बचाने के लिए लोगों को? देखिए बिजली ये नहीं दे पा रही, पानी ये नहीं दे पा रही, स्वास्थ्य सेवाएं ये नहीं दे पा रही सरकार, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं, तो ये हर तरीके से फेल सरकार है। केशव प्रसाद मौर्य कल उन्होंने बयान दिया है कि अगले सही रहे एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।